हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमी एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉन्स्टर कार्ड बनाने वाले हैं, वो भी सिंपल तरीके से। फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा पीवीसी पाइप का शीट लिया। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रो के टुकड़े लिए हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप पेन का एक कवर यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरीके से फेविक्यूब लगा कर इसे चिपका देना है। फ्रेंड्स, ये इसे ध्यान में होना चाहिए कि इस प्लास्टिक शीट कितने चौड़ा ही हो सकते होना है, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसे कुछ अच्छे तरीके से चिपका देना है। मैं फेविक्यूब का यूज़ कर रहा हूँ, आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे इस वाले स्ट्रो को भी कुछ उसी तरीके से चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे चिपका देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे चिपका दिया है कुछ अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने 4 पीस व्हील लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये व्हील मैंने ख़राब टॉय से निकाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बोतल कैप भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर आप यही यूज़ करें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ख़राब टॉय से निकाला, मेरे पास कुछ ख़राब वराब था कचरा वाला, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से चिपका देना, ये ध्यान में चाहिए, ये एकदम फ्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा एकदम फ्री घूम रहा है फेयरली। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे का प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्टैंड बनाया पीवीसी पाइप से कुछ इस तरीके से, आपको भी बना लेना है। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें फेविक्विक की मदद से चिपका देना। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर आप फेविक्विक यूज़ करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसे चिपका दिए। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट डीसी मोटर यूज़ किया है। अगर आपके पास गोल वाला हो तो आप गोल वाला लगा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास मिनी मोटर हो तो आप मिनी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसे आपको फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हो आप फेविक्विक ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से चिपका दिया हूँ। और यहाँ पर मैंने छोटा सा प्रोपेलर यूज़ किया हूँ। अगर आपके पास छोटा नहीं तो आप बड़ा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 6 वोल्ट बैटरी यूज़ किया। फ्रेंड्स, यहाँ ये बैटरी मैंने मोबाइल की है और हमें इस वायरिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, हमें माइनस माइनस में मतलब ब्लैक ब्लैक में जोड़ देना है और प्लस प्लस में। लेकिन अभी फ्रेंड्स, अभी हमें प्लस नहीं जोड़ना है क्योंकि मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैंड स्विच यूज़ किया हूँ क्योंकि ये छोटा सा है। अगर आपके पास बैंड नहीं है तो आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें स्विच का वायरिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं वो वाला वायर लगा लिया हूँ, अब ये वाला भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी वायरिंग कर लिया, स्विच और बैटरी और मोटर में कनेक्ट कर चुका हूँ। मैं इसलिए कर लिया हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरी वायरिंग कर ली अच्छे तरीके से, स्विच को भी चिपका दिया हूँ और टेप भी मार चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कार जो कुछ अच्छी तरीके से दिख रही है, कितनी अच्छी तरीके से। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कार कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे चला कर देखते हैं। ये देखिए हमारी कार है कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।